टीम अप ब्रो। हेलो 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 हेलो, टीम अप टीम अप टीम अप ब्रो। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। टीम अप टीम अप। हेलो भाई, मत मारो यार, प्लीज यार। हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल? आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में गाइस, हम थोड़ा सा गेम प्ले के साथ साथ टीम अप वालों पे बात करेंगे। ये मैच में गाइस, एक बंदा मुझसे कहता है कि भाई टीम अप कर लो, फाइट मत लो। आई थिंक वो रैंक पुश कर रहा होगा, बट गाइस मैं उसे टीम अप करता नहीं हूँ, बिकॉज टीम अप गाइस पता है गलत है। और सोलो में गाइस क्या ही टीम अप करना, अगर आप 1v1 फाइट भी न ले सको तो गाइस सोलो खेलने का मतलब ही क्या है। तो आप फन पर्पज के लिए खेल लो स्क्वाड वगैरह, और आपको तो पता ही गाइस, टीम अप मीटअप या फिर अगर आप हैक यूज़ कर रहे हो तो इस बार पबजी वाला हैक में तो नहीं दे रहा बैन गाइस, लेकिन टीम अप पे वगैरह पे गाइस बहुत जल्दी बैन दे देगा। और अगर अपने टीममेट को आप मारते हो नेड वगैरह से तो भी बहुत जल्दी बैन दे रहा है। जिनको बैन देना चाहिए फटाफट, उन्हें तो नहीं बैन दे रहा हमारा पबजी, बट जहाँ बैन थोड़ा नहीं देना चाहिए वहाँ फटाफट बैन दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस एक बंदे के साथ मेरी फाइट है, जो आपने इंट्रो में देख लिया होगा। तो अब गाइस आप फाइट को एंजॉय करो। भाई मत मारो यार, प्लीज यार। अब ये वही बंदा गाइस जो मुझे टीम अप के लिए बोल रहा था, और यहाँ पर गाइस फोर जोन स्टार्ट होने का था, तो मुझे इस बंदे को छोड़ने का भी कोई चांस नहीं था। मैं फोर जोन के बाद किसी बंदे को छोड़ता नहीं हूँ। लगे अगर मैंने किसी पे पुश किया है तो ऑब्वियसली उससे मैं फाइट लूंगा, जंप करे या फिर टीम अप वगैरह तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज यार गाइस देखो, अगर बंदा स्टार्टिंग में बोलता है कि भाई फाइट मत लो माइनस हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ। फोर्थ फिफ्थ जोन में गाइस अगर आप कोई बंदा फाइट लेने जा रहे हो, जोन में एंटर करना है और वहां पर बंदा आपको ऐसा बोले कि भाई मुझे छोड़ दे, मुझे रैंक पुश करना है, तो वो कैसे चलेगा भाई? रैंक पुश करना है तो फाइट लेके करो, फेयर करो। तो इस बंदे पे गाइस मैं पुश कर देता हूँ, और उसने में वो बंदा भी गाइस मुझ पर यूजेस भी मारना स्टार्ट कर देता, तो उसे हम मार देंगे। अब उसे मारने का गाइस मैं इस वाले बिग हाउस में आ जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जोन था, और यहाँ से थोड़े बंदे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। कितने में गाइस मेरे जस्ट थोड़ा सा ओपन एरिया में एक बग्गी ठुक चुकी थी, एक बंदे की उसने बग्गी ठोक दी थी ओपन में, और उसकी बग्गी थोड़ी सी अटक गई थी। वो उसे पीछे जब रिवर्स में ले रहा था तो मुझे उसका साउंड आ गया, और उसे हम इजीली स्प्रे में गिरा देंगे। अब उसे मारने के गाइस वापस में अगेन बंदे ने स्पॉट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो मुझसे अराउंड 150-170 मीटर दूर था, और ये जोन में गाइस थोड़ा सा डिफिकल्टीज तो होने वाला है, आपको पता है, बिकॉज ये जोन ऑब्वियसली सब बंदे पहले पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। और यहाँ पर गाइस एक अकेला स्क्वाड हाउस था जो जोन में था, तो मैंने डिसीजन किया मैं जोन के एज के साथ जोन जब स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट स्क्वाड हाउस में कर दूंगा पुश। अब यहाँ पर गाइस थोड़े टाइम तक मैं बंदे ने स्पॉट करता रहता हूँ, मुझे अगर कोई बंदा ओपन में दिख जाए या फिर थर्ड पार्टी किल्स निकाल सके तो निकाल लेंगे, जब तक जोन आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर गाइस जोन को आने में 25 सेकंड्स ही बचे थे, तो मैं फटाफट अपने आप को बूस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मैं चाहता था कि जब मैं किसी से फाइट लूँ तो मैं पूरा बूस्टेड रहूँ, बिकॉज आपको पता है कभी कभार हम डैमेज देके कवर में चले जाते हैं, तो उसमें
हील करने का टाइम नहीं मिलता, तो उतने में हमारे जो बूस्टर रहेंगे वो हमें पूरा फिल कर देंगे हमारे हीलिंग को। अब यहाँ पर गाइस मैं गाड़ी निकलता हूँ और डायरेक्ट जो स्क्वाडर्स है उस पर करने वाला हूँ मैं गाइस पुश। अब यहाँ पर गाइस मैं जैसे पुश करता हूँ तो लाइक मुझे ऊपर से बंदे का साउंड आ चुका था, लाइक वो ऊपर रूम वगैरह में ही था और फिलहाल के लिए हमारा लग अच्छा था, लाइक इसके ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं था। तो फिलहाल के लिए जस्ट मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ और बस वेट करता हूँ थर्ड पार्टी वगैरह का या फिर वो बंदा मुझ पर पुश करे, बिकॉज आपको पता है लाइक स्टेयर से अगर मैं पुश करने जाऊँगा वो बंदा टीपी में रहा तो इजिली मुझे मार देगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब यहाँ पर कहीं जोन हमसे कट चुका था, तो लिटरली जोन हमसे 25 मिनट दूर था, तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो इस बंदे से अब फाइट लिया जाए, बिकॉज जोन की जब मैं एंड में निकलूंगा तो ऑब्वियसली बंदा मुझे मारेगा। तो यहाँ पर गाइस इससे हम फाइट लेना स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पर गाइस जो बंदा था लाइक वो थोड़ा अच्छा खेल रहा था, वो मुझे मौका दे नहीं रहा था लाइक प्रॉपर पुश करने के लिए और मॉलीज या फिर नेट प्रॉपर डालने के लिए। फिलहाल के लिए मैं इस पे पुश नहीं करता हूँ और वेट करता हूँ लाइक ये बंदा मुझ पे पुश करे और ये कुछ गलती करे तो इसे हम मारेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये वाले रूम में आके आराम से होल्ड करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि चलो स्मोक स्मोक किया जाए। तो उसके लिए मैं पहले तो यहाँ पर खिड़की या फोड़ देता हूँ और यहाँ पर जोन जो था गाइस वो बस 30 सेकंड में आने वाला था, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब इतने में गाइस वो बंदा मुझ पर पुश कर देता है और उस फाइट में मैं थोड़ा थोड़ा सा गाइस मिस कर देता हूँ और हम फिलहाल के लिए मर जाते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।